आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली में सरकारी स्कूल होने लगे हैं कोएड। ओके, इन्होंने कल तक भी नहीं बताया था कि ये हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं। अब आज सडनली एक ऑर्डर आ गया कि ये मर्ज होने वाला है स्कूल 1 अप्रैल से। एक क्लास में से एक पेरेंट्स को बुलाया गया खाली, उसका व्यू लिया गया, उसका व्यू क्या होगा पूरी क्लास 50 बच्चों में से। पेरेंट्स को बताना तो चाहिए था ना कि ये कर रहे हैं। अभिभावकों ने कहा बजट नहीं तो ना दे फ्री बिजली पानी। फ्री बिजली वगैरह फ्री करके इन्होंने वो एक ही बात कर रहे हैं कि ये स्कूल में ये लड़कों एक साथ कर, जब नहीं चलाया जा रहा स्कूल उनको तो उतने पैसे लगाना शुरू कर देंगे, नहीं बजट निकल रहा तो बिना पेरेंट्स की व्यूज जाने और अपनी मर्जी से एक तरह से तानाशाह की तरह ये थोप रहे अपना। इस वक्त हम शक्तिनगर के नंबर 1 स्कूल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो इस वक्त मुद्दा है वो बड़ा एक संगीन किस्म का मुद्दा है। विषय यह है कि ये स्कूल जो है 2 शिफ्ट में चलता था, फर्स्ट शिफ्ट में गर्ल्स और सेकंड शिफ्ट में बॉयज़, लेकिन अचानक यहाँ के पेरेंट्स को बुलाकर ये कह दिया गया है कि 1 अप्रैल से ये स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ कम्बाइंड यानी कि पूरा एक को एजुकेशन मोड पर चलेगा, जिसे लेकर यहाँ के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं विशेषकर वो जिनकी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं वो रोष में हैं। उनका कहना है कि ये एक तुगलकी फरमान है, ना तो इनसे किसी तरह का परामर्श लिया गया, ना इनको किसी तरह से बताया गया और ये एकदम से आदेश पारित कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं, कुछ अभिभावक हमारे साथ में हैं, क्या है उनका विरोध और क्या वो कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? परविंदर सिंह। परविंदर जी, आपकी बच्ची पढ़ती है? हाँ जी, 2 लड़कियाँ पढ़ती मेरी। तो क्या ये मुद्दा है? ये एकदम ही हमारे को पता लगा कि ये स्कूल 1 अप्रैल से मर्ज हो रहा है, बॉयज़ को मॉर्निंग में शिफ्ट किया जा रहा है, कोएड करा जा रहा है एकदम से, तो हमें इससे एग्री नहीं है बिल्कुल भी। ये कह रहा है कि बच्चों को बॉयज़ का स्टैंडर्ड करने के लिए हम इसलिए इनको मर्ज कर रहे हैं लड़कियों के साथ, और लड़कियों का क्या होगा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। लड़कियाँ हमारी राजी नहीं हो रही आने के लिए, वो मना कर रही आने के लिए, अरे हमने नहीं एडजस्ट होना। सर हमें भी, मेरा नाम लखबीर कौर हूँ, मेरे दोनों बेटे पढ़ती हैं यहाँ पे, हमें कहा जा रहा है कि हम ऑप्शन रखेंगे, पर मैं सभी लेडीज से ये, हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें कैंसिल ही करना है ये, हमें नहीं चाहिए। जो मॉर्निंग शिफ्ट सर एक भैया कह रहे थे बीच में बता रहे थे कि जो नए एडमिशन है उनके उनका ये ले रहे सर्वे कर रहे हैं कि वो राजी हैं कोई पढ़ा क्योंकि वो एडमिशन चाहते हैं, पर जिनके पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं राजी सर प्लीज़। वो ज्यादा जगह क्या हुआ, विड्रॉ कर देंगे? हाँ, ना ही हमारा ओपिनियन लिया गया सर, हमारा ओपिनियन नहीं, हमें नहीं पता है। मेरा नाम मीना सोनी है, मेरी भी हाई 6 में। क्या विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं चाहते कि बॉयज इसमें आए क्योंकि बच्चे नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, हम खुद राजी नहीं है। सर मैं भी यही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे शुरू से 6 क्लास से बच्चों को ऊपर ले लाया जाए, ना कि एक साथ बच्चों को ये चीज़ें एक साथ की जाएं, क्योंकि ना तो इसके लिए गर्ल्स तैयार होती है, ना ही इसके लिए बॉयज तैयार होते हैं, ना ही मतलब पेरेंट्स भी ये नहीं सोचते कि हमारी लड़की सिक्योर है। हमने क्यों करा इसमें, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने अपने एजुकेशन से ऊपर हमने अपनी सिक्योरिटी रखी बच्चों की, क्योंकि हमें अपनी बच्ची की पहले सिक्योरिटी चाहिए, फिर उसको अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें। आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि जो आदेश दिया गया है मतलब कि पूरी तरह से वन साइडेड है, अगर इसको करना भी है तो धीरे धीरे करते, कुछ क्लासेस को करते धीरे धीरे मर्ज करते, मानसिकता थोड़ी बच्चों की भी चेंज हो जाती करते हम पूछ के करते हैं कि हम लोग तैयार हैं या नहीं है। एक क्लास में से एक पेरेंट्स को बुलाया गया खाली, उसका व्यू लिया गया, उसका व्यू क्या होगा पूरी क्लास 50 बच्चों में से, बिल्कुल बताया भी नहीं गया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ऑनलाइन सर क्लासेस, पेरेंट्स को बताना तो चाहिए था ना कि ये कर रहे हैं। कल तक भी नहीं बताया था कि ये हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं, अब आज सडनली एक ऑर्डर आ गया कि ये मर्ज होने वाला है स्कूल 1 अप्रैल से, तो मतलब ये बिना पेरेंट्स के व्यूज़ जाने और अपनी मर्जी से एक तरह से तानाशाह की तरह ये थोप रहे हैं अपना ये, तो मैं यही चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने गर्ल्स स्कूल में डाला है। हमारे पानी बिजली वगैरह फ्री करके इन्होंने वो एक ही बात कर रहे हैं कि ये स्कूल में ये लड़कों एक साथ कर, जब नहीं चलाया जा रहा स्कूल उनको तो उतने पैसे लगाना शुरू कर देंगे, नहीं बजट निकल रहा तो। अब हमने तो कल से स्कूल में डाला था, पर पैसे नहीं निकल रहे, मैं तो यही कहूंगी सर इनसे पैसे नहीं निकल रहे स्कूल चलाने के लिए। तो हमने तो कल से स्कूल में डाला था ना, तो अब ये बॉयज से हमारी मर्जी के बिना कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। अभिभावकों की पूरी बात पर गौर किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जब इनके बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया था तो ये मानकर और इसी आधार पर लिया गया था कि ये गर्ल्स स्कूल है, और जब तक उनकी वो एजुकेशन उस स्कूल की हायर एजुकेशन नहीं हो जाती और उस शिफ्ट के बच्चों को उसी शिफ्ट में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे गर्ल्स शिफ्ट में पढ़ रहे हैं
तो गर्ल्स ही शिफ्ट में पढ़ना चाहिए और उनको बीच में मर्जर का जो है ये प्रावधान ये कहीं ना कहीं अटपटा लग सकता है। एजुकेशन विभाग का ये कहना हो सकता है कि विश्व स्तरीय एजुकेशन बनाने के लिए दोनों शिफ्ट को यानी कि बच्चों को एक को एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाना जरूरी है। ये बात सरकार की तर्क वाली हो सकती है लेकिन इसका एक समाधान वो देखना पड़ेगा जो कल्चरल एटीट्यूड है हमारे देश का कि जिन बच्चियों को अभी तक गर्ल्स शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है उन्हें अचानक से को एजुकेशन स्ट्रीम में डालना कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं वो आ सकते हैं। वही कुछ अभिभावकों का ये भी कहना है कि यदि इन्होंने को एजुकेशन स्ट्रीम में ही करना है तो उसको धीरे धीरे किया जाना चाहिए था, यानी कि पहले छठी क्लास से कुछ क्लासेस सिक्स और सेवन्थ को एजुकेशन में जाना चाहिए था, उसके बाद ये अगर सिस्टम सही रहता तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास बढ़ता जा रहा है, अभिभावकों का जो असंतोष है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और इस बाबत और इस संदर्भ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोचना होगा और सरकार को अपनी इस पॉलिसी पर पुनर्विचार करना होगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।